हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लॉगिन ड्रीम में। दोस्तों, हम भाई बहन लेकर के आ गए फिर से एक न्यू अनबॉक्सिंग वीडियो, और ये अनबॉक्सिंग वीडियो होने वाली है बहुत ही मजेदार। और ये अनबॉक्सिंग वीडियो आप सभी को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ आइटम तो अच्छे अच्छे हैं, ये साथ में आपके लिए एक अलर्ट भी है मेरी तरफ से कि आपका अकाउंट हो सकता है ब्लॉक्ड। अगर आप मीशो से शॉपिंग करते हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि काफ़ी ऐसी गलतियां हैं जो हम अनजाने में कर देते हैं और हमारा अकाउंट ब्लॉक्ड हो जाता है, जैसा कि मेरा हो चुका है। और मेरे पास कुछ डिफेक्टेड आइटम भी आ चुके हैं जिसे मैं एक्सचेंज रिटर्न कुछ भी नहीं कर सकती। अगर आपका अकाउंट एक बार ब्लॉक्ड हो गया, फिर आपको उससे आप मतलब वो आपका डिवाइस ही पूरा ब्लॉक्ड हो गया। अगर आप उस डिवाइस में कोई नया नंबर भी यूज़ करेंगे तो नंबर भी आपका ब्लॉक्ड हो जाएगा, डिवाइस क्योंकि पूरी तरह से ब्लॉक्ड हो। तो आप गलती से भी जिसमें आपका अकाउंट ब्लॉक्ड हो जाए उसमें मीशो ऐप को इंस्टॉल मत कीजिए। आप एकदम नया अपना कोई फ़ोन लीजिए और उसमें मीशो ऐप नए नंबर से, नए ईमेल आईडी से, सब कुछ नया नया आपका होना चाहिए। रजिस्टर्ड करके नया अकाउंट क्रिएट कीजिए। तो आप भी लॉग आउट लॉग इन बार बार ना करिए मोबाइल में, एक बार इसमें मेरा जो मीशो ऐप मेरा जो ब्लॉक्ड हुआ उसका मेन रीजन है यही है, क्योंकि हमेशा ये लॉग इन लॉग आउट करती है इस मोबाइल से दूसरे मोबाइल में। मैं आपको पहले ही बताई कि मेरे सारे ऑर्डर प्रीपेड पे होते हैं, तो मेरे काफी सारे पैसे फंस गए हैं। कम से कम मेरे 2000 रुपए डूब गए हैं इस और बार। मेरे दो नंबर मैंने लिए थे वो भी तुमने दो नंबर और भाई का दो डिवाइस ब्लॉक्ड हो चुका है, जो कि भाई का ही था, मेरा डिवाइस नहीं ब्लॉक्ड हुआ। हाँ, ये तो गलत बात है यार, लेकिन ये गलत बात है। मैंने क्या किया था ना कि मैं ना रिटर्न जैसे मीशो पे ना आपको मतलब आपके कुछ ऐसे नियम है, जैसे कि आपका सेम बैंक डिटेल, आपके पास दो तीन डिवाइस आप समय बैंक डिटेल सेम ऐड नहीं कर सकती हैं, सेम नंबर से अलग अलग डिवाइस में लॉगिन नहीं कर सकती हैं, या फिर किसी और का नंबर लेके अपने डिवाइस में लॉगिन करती हैं लॉगआउट करती हैं तो भी आपका ब्लॉक्ड हो जाएगा, एंड आप बहुत ज़्यादा रिटर्न और एक्सचेंज करती हैं तो भी आपका अकाउंट ब्लॉक्ड हो जाएगा। तो ये कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से अकाउंट ब्लॉक्ड हो जाता है। अब जब अकाउंट ब्लॉक्ड हो गया तो क्या वो कभी ओपन होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं ओपन होता है। या कोई भी कस्टमर के बिल्कुल सावधान हो जाइए। हाँ, तो और मैं ना एक चीज़ बहुत बड़ी गलती करती थी, मैं हर ऑर्डर जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ प्रीपेड पे ऑर्डर करती थी, बट आपको ये गलती नहीं करनी है, प्रीपेड पे बिल्कुल ऑर्डर मत कीजिए। हो सकता है आपका अकाउंट कब ब्लॉक्ड हो जाए, क्योंकि ये तो इन्फॉर्मेशन देते नहीं ये कब ब्लॉक्ड हो जाएगा, और हम लोग से क्या गलती हुई। तो मेरी तो गलती मुझे पता चल गई तो कि प्रोडक्ट इसके फंसे भी हुए हैं जो। हाँ, तो वो मैं रिसीव नहीं करूंगी, हालांकि वो मेरे प्रीपेड में है, हो सकता है मेरे पैसे मुझे ना भी मिले, बट कोई दिक्कत नहीं है, फटे पुराने कपड़े लेने से अच्छा है कि ना ही लो। तो इसलिए मैंने सोचा उसको मैं लूंगी ही नहीं उसको, तो मैं यहाँ स्क्रीन शॉट लगा दूंगी जिससे आपको पता चलेगा किस तरीके का अकाउंट वेरिफिकेशन फेल करके आपको भी मैसेज अगर आता है तो आपका समझ लीजिए वो डिवाइस पूरी तरह से ब्लॉक्ड हो चुका है। उस फोन में आपको कोई भी मीशो आप लॉगिन नहीं करना है, ना मीशो उस पर यूज ही नहीं करना, आप उस डिवाइस को भूल जाइए। अगर आप तो मीशो शॉपिंग करते हैं तो बी केयरफुल, एंड अपने मतलब आप वही प्रोडक्ट मंगाइए जिसको आपको लगता है। मुझे एक चीज बहुत गलत लगी यार, कि मुझे पता क्या यही कि मतलब वो लोग थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन नहीं देते कि आपके अकाउंट क्यों ब्लॉक, अगर आप कॉल करेंगे ना तो इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई सहायता नहीं दी जाएगी, बस उन लोग ये कहेंगे कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया, नया नंबर से बनाइए, बट नया नंबर भी मेरा ब्लॉक हो गया, जो मेरा नया वाला नंबर था ना भैया, उससे मैंने एक भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया था और वो नंबर भी ब्लॉक हो गया। तो आप उस डिवाइस में भी मत लॉग इन कीजिए, नहीं तो आपका डिवाइस भी मतलब पूरी तरह से वो डिवाइस ही ब्लॉक हो चुका रहता है, क्योंकि मीशो नंबर के साथ साथ वो डिवाइस भी ब्लॉक कर देता है। तो जिन बातों को छोटी बहन ने बताया उन सब बातों को आपको ध्यान रखना है, और मीशो से आप जब भी शॉपिंग कीजिए आप एकदम जरूर की चीज मंगाइए और जिसकी रेटिंग बहुत ज्यादा हो, क्योंकि वो लोग तो गलत प्रोडक्ट भेजेंगे और आप रिटर्न लगाएंगे और ज्यादा रिटर्न हो गया तो फिर आपका अकाउंट तो गया ना, गया और पैसे भी गए, टाइम भी वेस्ट हो गया। तो आप 2 रुपए बचाने का ही आपको 4 रुपए ले ली। वही बात हो गई, आपने कई बार देखा होगा, मैंने तो एक बार तो अनबॉक्सिंग कर रही थी तो फटी साड़ी निकल गई, तो आप लोग वीडियो में आगे मैं बोली तो आप लोग भी ट्रस्ट किए, लेकिन जो चीजें हम लोग जैसे ऑफ कैमरा खोल देते हैं और वो फटी पुरानी आ जाती है तो वो मैं शेयर नहीं करती हूँ, हालांकि मेरे साथ हुआ है कई बार, हो चुका कई बार तो मुझे नहीं पता उस टाइम भी मैं देखा हूँ कई बार हमको मतलब रॉन्ग प्रोडक्ट मिल गया, कभी फटा हुआ मिल गया, कभी कलर आप लोग देखे भी होंगे अक्सर। तो यार ऐसे में हम एक्सचेंज ना करें तो क्या करें, मैं रिटर्न नहीं करती हूँ, बन जाती है एक्सचेंज करना चाहे रिटर्न। हाँ, तो बस मुझे बस थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि मैंने दोबारा से जो आइटम मंगाया था उसमें एक मुझे एक्सचेंज करना था यार, बट हो नहीं पाएगा। चलो कोई नहीं, कुछ भी है मेरे पास, मुझे यही संतुष्टि है। कितना बोलोगे यार। हाँ, ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई, मैंने सोचा ना कि थोड़ा सा मैं आप लोगों को भी अलर्ट कर दूं, इसलिए थोड़ा सा मैं ज्यादा बोल गई। तो अभी ज्यादा बातें नहीं करते और वीडियो को शुरू करते हैं अपनी अनबॉक्सिंग को। तो यहाँ पे मैं कैची लेके बैठी हूँ, और ये मेरा जो पहला हम लोगों ने ये अनबॉक्सिंग किया था ना, ये इसी टाइप का, देखिए मैंने दूसरा भी मंगाया है क्योंकि काफी ज्यादा मम्मी को पसंद है, मम्मी ने बोला कि एक और मंगा लेते हैं। इसका दिखाया था पिछले वीडियो में,
तो ये काफी अच्छा निकला था, तो मैंने सेम सेलर से मंगाया। बट पिछली बार मैंने जो ऑर्डर किया था ना, इसको अनबॉक्सिंग ऑलरेडी हो चुकी है। बस हम लोग इसको इसलिए यहाँ रखे ना ताकि हम मेजर कर सके कि सेम प्रोडक्ट रहता है। तो कई बार ऐसा होता है कि सेम सेलर से हम ऑर्डर करें वो चेंज हो जाता है, तो देखना है कि चेंज सामान हुआ जैसे कि उसमें कुछ जैसे पोछा जैसे मैंने पिछली वीडियो में पोछा मंगाया था जो बास्केट वाली, वो सही आई थी बट इस बार मेरे को गलत आई है। तो कंपैरिजन किया कि कैसे आप सेम सेलर से मंगाते तो भी धोखा हो जाता है। अगर आप मतलब मंगा रहे हैं तो थोड़ा सा केयरफुल हो जाइए, क्योंकि मेरा जब अकाउंट ब्लॉक्ड हो गया और मुझे एक्सचेंज पे लगा हुआ था हालांकि मेरा पोछा, बट वो लोग लेने नहीं आए और मैं देती भी नहीं, क्योंकि जब अकाउंट ब्लॉक्ड हो जाता है तो मीशो की जिम्मेदारी नहीं बनती है। और इस बार मैंने सीधा खोला है, सीधा ही खोला है, हम नीचे ऊपर तो ना आजा भाई। तो दोस्तों ये सीधा कट गया बट सीधा निकल रहा तो हम इसको उल्टा काटते हैं। पिछली बार हम लोग ने जानबूझ के उल्टा नहीं काटा था, बट इस बार जानबूझ के काटना पड़ा क्योंकि इसमें से बाहर ही नहीं आ रहा है। ऐसा लगा पूरा ही काटना पड़ जाए। ओ ये तो छोटा लग रहा है मुझे, तुमको क्या लग रहा है छोटा हो सकता है? ओ पैड फंस रहा है इधर से, अब समझ में आ रहा है, तब भी तो नहीं निकल रहा है। पूरे डिब्बे को फाड़ डाले हम लोगों ने, फिर भी ये बाहर नहीं आ रहा है। क्या रहा है, मैं नहीं निकलूंगा। तो अभी वो इसको साइड कर देते हैं। इसका जो प्राइस है वो 800 का था और ये वाला हमारा थोड़ा सा कॉस्टली था क्योंकि इसके साथ हमें फ्री आइटम मिला था, इस वजह से। तो इस बार मैंने फ्री वाला नहीं लिया। इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, किचन का सामान चाहे कोई भी आइटम। तो दोनों के साइज वगैरह सब कुछ सेम टू सेम है, 1% का भी फर्क नहीं है। हाँ देखो, क्योंकि वो थोड़ा सा साइज दोनों का एक ही है, बिल्कुल सेम टू सेम आया हुआ है। तो यहाँ पर मेरे साथ कोई धोखा नहीं हुआ है। और ये अकाउंट क्योंकि ब्लॉक्ड हो गया तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि बस ये मुझे कैसे भी सही रिसीव हो जाए, कुछ भी टूटा फूटा ना। उसके चारों व्हील्स देखो तो सही है ना, मेन तो इसके व्हील्स ही है ना, व्हील्स ही पर डरेगा ना। तो ये इसका जो है स्टेनलेस स्टील है जिसमें जंग नहीं लगता, बट मुझे लग रहा है इसमें जंग लग सकता है। नहीं, स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगती इसमें। हाँ, पर मेंशन किया गया, बट होता तो नहीं ना ज़्यादातर, मोस्टली ऐसा हो नहीं पाता है। ये हम लोग का ये पहला अनबॉक्सिंग हो गया जिसमें 4 लेयर वाला था, इसमें 3 लेयर वाला भी आपको मिल जाएगा। हम लोगों ने 4 लेयर वाला ऑर्डर किया, आपको लेयर में चाहिए उतने लेयर में मिल सकता है। 2 लेयर में भी था बट हम लोग को ज्यादा लेयर वाला पसंद है। तो ये अच्छी है, इसका जो बाइंग कोड है वीडियो बता चुके इसके बारे में। हाँ बता चुके हैं, तो उसका बाइंग कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे दिए हुए लिंक से मीशो ऐप डाउनलोड करेंगी तो आपको फर्स्ट ऑर्डर पे 100 रुपीज या 30% तक ऑफ देखने को मिल जाएगा। और अगर आप सीखना चाहती हैं मीशो से किस तरह से रीसेल कर सकती हैं या फिर ऑर्डर, तो वीडियो के एंड में नहीं बड़ी नहीं होगी तो लगेगी, अदरवाइज उस वीडियो का लिंक हम लोग लगा देंगे क्योंकि ये वीडियो डेफिनेटली बड़ी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी शेयर की मीशो के अकाउंट जो ब्लॉक्ड हो रहा है उसके बारे में। तो छुट्टी बैन कर रही है अनबॉक्सिंग सभी, क्योंकि मैं कैची लेकर बैठी हूँ। मेरा ना दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया जब मैं सुबह उठी और मेरा अकाउंट ब्लॉक्ड हो गया था। तो हाँ, इसका अकाउंट बिचारा, क्योंकि मेरा काफी सारे ना एक्सचेंज में मतलब मैं रिटर्न नहीं करती हूँ, बट मेरे को ना जैसे मैंने पेटीकोट बताया था उसमें कई कलर मैंने ऑर्डर किए थे, तो सभी मेरे को मैंने एस साइज ऑर्डर किए थे, सभी मुझे डबल एक्सल मिले थे, तो मैंने उसे एक्सचेंज लगाया था, बस एक्सचेंज में ही वो हो गया। और ये मैंने 2 पीस ऑर्डर किया था, ये मुझे 1 पीस लग रहा है भेज दिए। देखो इस पर 2 पीस है, दिखा उस पर 2 पीस बगल में, स्क्रीन शॉट लगा दूंगा मैं। और अभी देख लेते हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ है या दिया गया था। हम लोग ऑर्डर किए थे, हम लोग 2 पीस ही ऑर्डर किए थे क्योंकि मुझे ये अच्छा लग रहा था। और ये भी अकाउंट ब्लॉक्ड हो चुका है, अगर ये मुझे सिंगल भी मिलता है तो मुझे रखना ही है। मैंने 2 के पैसे दिए हैं बट मुझे एक ही रखने का। केयरफुली अपने जो है कि ऑर्डर को प्लेस कीजिए एकदम मीशो से, हालांकि वहाँ इतने सस्ते प्रोडक्ट होते हैं कि हम खुद को रोक नहीं पाते हैं, बट फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ये खुल जाएगा नहीं तुमसे, मुझसे नहीं खुल रहा है ना। तो कैसे होगा? तो ये भी आपका, ये बहुत ही यूजफुल सामान है, मतलब हैंग करके रुमाल वगैरह हम लोग टांगते थे स्पेशली, हम लोग उसके लिए लिए हैं, बट आप इसमें सुखा भी सकती हैं छोटे छोटे बच्चों के कपड़े वगैरह कोई सामान हो गया तो। हाँ 2 पीस ये मुझे मिल गया। चलिए तो मेरा प्रोडक्ट लकी, तुम बहुत लकी तुम्हारा, मेरा अकाउंट ब्लॉक्ड हुआ ना तो मैं इतनी ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे सारे प्रोडक्ट मुझे मिल गए थे, भले वो रॉन्ग ही थे तो क्या हुआ, बट मेरे पास आ चुके थे। अगर यही प्रोडक्ट इधर तो मिलता नहीं थी। हाँ दोनों तो सेम ही सेम है, क्या फाड़ना, एक ही फाड़ो, दोनों सेम ही है, दोनों की क्वांटिटी और क्वालिटी सेम टू सेम है। तो इसमें रेक्टेंगल वाला स्टील के बने हुए हैं। हाँ ये भी आपको स्टेनलेस स्टील में, एक्चुअली ना हम लोग एक बार प्लास्टिक का लिए थे तो बहुत जल्दी खराब हो गए। मैंने इसमें कमाई क्रीम का भी बनाया हुआ है, बट अभी देख लीजिए काफी ज्यादा खूबसूरत है, क्लिप काफी अच्छा दिया गया इसका, बीच में शायद रबड़ लगा भी है, क्या कहते हैं प्लास्टिक लगा हुआ है ताकि कपड़े कटे ना। यस काफी अच्छी क्वालिटी दी गई इसकी क्लिप की, स्टेनलेस स्टील का है तो इसलिए आपको जंग लगने का कोई डर नहीं है और खराब तो होंगे नहीं,
ये सब आइटम ऐसे होते हैं ना, आप एक बार खरीद लीजिए और ये हमेशा पड़े रहते हैं। आपका तो कुछ भी सुखाना हो, छोटे बच्चों के मोजा वगैरह हो, तो उसमें आपको दबा करके एक जगह इकट्ठे हम लोग अक्सर भूल जाते हैं ना, तो ऐसे हैंग करने में काफी अच्छा रहता है। मेरे घर गाड़ी की की भी इसमें लगा सकती है। हाँ भाई अक्सर की खो देते हैं, तो हम लोग के घर में की वगैरह रुमाल और की ही टांगते हैं। हालांकि बहुत सारे स्टैंड हम लोग के घर पर भाई अभी यूज नहीं करता था, लाके फेंक ही देता। तो ये वही हो गई सेकंड अनबॉक्सिंग, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट निकला है और इसका जो प्राइस था वो आपको साइड में स्क्रीन पे दिख जाएगा, आई थिंक 300 या 250 का था दोनों मिला के। मुझे ज़्यादा क्वालिटी अच्छी दी गई है, ये हैंग करने वाला भी काफी अच्छा दिया गया है, तो तुमने दिखा है ये हाँ ये क्या ना इसमें हैंग करने के लिए बना हुआ है, काफी अच्छे से इसमें ना मोती लगाया गया है, देखिए निकलेगा नहीं, अच्छी क्वालिटी दी गई है। तो ये मुझे देखते ना पिक से ही पसंद आ गया, इसलिए मैंने दो पीस ऑर्डर कर लिया। ये काफी यूज का चीज है, तो ये हर औरत की बहुत अच्छी जरूरत की चीज है। और ये हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट, खोलो भैया जल्दी से खोलो ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। तो ये भी हम लोगों ने टू पीस ऑर्डर किया, सब मैं ज्यादातर जो भी मुझे अच्छा लगता है ना मैं टू पीस ही ऑर्डर कर लेती हूँ, क्योंकि मैं सेल का वेट करती हूँ, जब सेल में मुझे कम में दिखता है ना तो मैं कहती हूँ अब एक क्या मंगाना, रुको दो मंगा लेती हूँ। एक सीक्रेट है, एक का मैं क्या करूँगी वो टॉप सीक्रेट रहेगा, वो आपको आगे कभी ना कभी पता चल ही जाएगा। तो ये हमारा है, इसका जो इमेज और प्राइस है ना सब कुछ आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। ये तो कटा नहीं था, तुमको दिखा रहे थे कैंची फेंक दिए, ये जो हम लोगों ने केवल मैंने फोटो में केवल देखा था। तो ये हो गया फर्स्ट हम लोग का, ऐसा ही सेम दो पीस है इसमें, देखिए दूसरा वाला इधर लगा हुआ, दूसरे साइड चिपका हुआ है, तो इसको इस साइड से खोलते हैं ना। ये है इसका, तो ये मसाले वाला जार है जो कि मुझे पर्सनली बहुत बहुत टाइम से, मतलब दो बार भाई मेरा कैंसिल हुआ था ना ये वाला ऑर्डर, पिछली बार तो मेरी वजह से मैंने ऑर्डर प्लेस किया था, हम लोग कई बार प्लेस भी करते ना ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है, तो मैं बहुत ज्यादा भाई पे गुस्सा हो गई थी, रोई भी थी कि मेरा ऑर्डर मैंने इतना ऑफर में खरीदा था और तुम्हारी वजह से कैंसिल हो गया, तो इस बार मुझे मिल गया। ये देखिए रोटेट हो गया, इसमें फ्लावर, ये फ्लावर पार्ट का भी काम करता है, और ये मसाले के डिब्बे कैसे निकल जाते हैं इधर से, एक डिब्बा खोल के देखो तो कितना बड़ा है, ये कांच का है मतलब कि प्लास्टिक का, प्लास्टिक बॉडी है, थोड़ी थोड़ी दब रही है ये, देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा है ना, कांच का रहता तो टूट जाता, मुझे तो प्लास्टिक ही सही है। हाँ बट यही है कि ज्यादा दिन प्लास्टिक का चल नहीं पाता, आराम से मसाला तो आ हाँ, हम लोग के गरम मसाले का, अगर हाँ। बड़ी फैमिली है तो उसके लिए तो कमी पड़ेगा। हम लोग के लिए तो बहुत है, नहीं तो एक ही पे सारे मसाले थोड़े रखे जाएंगे, एक में काली मिर्च रख दो, एक में जीरा रख दो, एक में स्याह जीरा रख दो, एक में बड़ी इलायची छोटी इलायची, सबका मैंने गिन के ना दो लेयर वाला ऑर्डर किया था। कि भाई को पसीने हो रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। क्योंकि मैं देखिए मैं ज्यादा मेहनत करता हूँ, इतना वर्क किया हूँ तो खोले में कितना मेहनत लगे, भाई ज्यादा मेहनत किया, मैं नहीं कुछ करती हूँ। तो ये काफी अच्छा लगता है मुझे, ये जो रोटेट होता है ना ये वाला फंक्शन, इसका मुझे काफी अच्छा लगा था, ये जो रोटेट होता है जो ये घूमते हैं ना दोनों लेयर आराम से, इसमें जो आपको आइटम चाहिए। तो भैया ये टूटा नहीं ना एक भी हमारा, मेरा तो सही से मुझे रिसीव हो गया आई थी, है ना भैया? निकलेगा कैसे? तुम निकाले क्यों रहे हो? निकालने के लिए इस तरह से निकालना, इसका थोड़ा सा ऊपर इस तरह से करके खींचना है। तो मटेरियल तो बहुत अच्छा है इसका, प्राइस क्वालिटी अच्छी दी गई है सबकी, भाई बिल्ड क्वालिटी देखते हैं, पता नहीं इसके साथ हम लोग युद्ध करेंगे या इसमें कूटेंगे। मजबूती की बात कर रहे हैं। हाँ तो इसमें हम लोग कौन सा इसमें अदरक वगैरह कूटना है जो हम लोग को इतना सोचने की जरूरत है, तो ये काफी अच्छा है। इसको भी मिलते हैं 5 स्टार, बट हम दे नहीं पाएंगे, सॉरी यार। क्योंकि हम लोग का अकाउंट हो चुका है ब्लॉक, नहीं ये वाला नहीं ब्लॉक हुआ है, ये मेरे से ऑर्डर था आई थिंक। अब इसका दूसरा वाला पीस है, चेक कर लेते हैं ये सही आया है कि नहीं, बस हम लोग देख लेते हैं कि ये सही है कि नहीं, बाकी सेम टू सेम है। तो आपको सभी के जो बाइंग कोड है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और यहाँ जो मैंने कोटी पहनी है ना, ये भी मैंने मीशो से लिया था और ये ब्लॉग वाले अकाउंट का है। अच्छा हुआ इसमें बस लटका नहीं टूटी मिली थी, एक में नहीं थी एक में है। तो इसका अनबॉक्सिंग ऑलरेडी आप लोग के साथ हम लोगों ने शेयर कर दिया है करने में। भाई का जवाब नहीं, ये इसका ढक्कन पर खींच के बाहर तोड़ डाला है। नहीं नहीं निकला, तोड़े नहीं हुए, ये इसमें लग जाता है अभी आया नहीं कि तोड़ो मत सभी इसको। काफी अच्छे से इन्होंने पैक करके दिया, ये चीज मुझे अच्छी लगी थोड़ी। ये उल्टा इधर से सीधा है, तो पता नहीं है। हाँ मुझे पता नहीं है, ये भी सेम टू सेम है, तो ये टूटा फूटा तो हम लोग को डिफेक्टेड नहीं हुआ, लकली हम लोग को दोनों अच्छे मिल गए हैं, दोनों प्रोडक्ट अच्छे हैं। ये निकल भी जाता है ऊपर का स्टैंड की तरह, ये इसमें जाके तो फ्लावर पार्ट वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं, गुलाब गुलाब सजा सकती है अपने किचन को, डेकोरेट करने के साथ साथ अपने मसालों को भी ऑर्गेनाइज कीजिए, इसमें गुलाब को किचन ऑर्गेनाइज, मसाले ऑर्गेनाइज, गुलाब का फूल लगा देंगे किचन में, इसमें स्मेल भी चलेगा, इसमें मसाला भी। क्या तुम भी भैया बताते रहते हो, बस फूल सुनिएगा, स्मेल लीजिएगा, इसको साइड करो। तो ये हम लोग की हो गई, अरे बाबा अब हम लोग का लास्ट में आता है पोछा। देखिए हम लोग पोछा पहले भी वाला भी मैं रखी हूँ यहाँ पे, ये हम लोग का नया वाला पोछा है। देखिए इसमें हम लोग को क्या डिफेक्टेड मिल गया, दोनों सेम सेलर थे
कलर भी चेंज है और क्वालिटी तो बहुत ही ज्यादा बकवास मिल रही है। ऐसा पता नहीं क्यों होता है कि हमेशा प्रोडक्ट एक जैसा ही नहीं मिलता, हमेशा बदल बदल। आप सेम सेलर से भी ऑर्डर करेंगे ना तो वो आपको कभी अच्छा देता है कभी घटिया देता है। तो ये जो इसका है ना ये तो बिल्कुल घूमता ही नहीं है, क्योंकि इसका डिजाइन और जो मेरा पहले वाला पोछा था दोनों में देखिए कितना का फर्क आएगा। ये हमारा पहला दोनों नहीं, ये पता चल जाता है ना, मेरा ब्रशेस दिख रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना ये इसमें इस तरीके से बना हुआ कि ये रोटेट होता है, बट ये वाला रोटेट नहीं होता, ये बस एक जगह फिक्स है, इसी पोजीशन पे फिक्स हो चुका है, ये ना घूमता है ना कुछ होता है। अब ये चीज मुझे समझ में नहीं आती कि घूमता नहीं, वो टूट जाएगा, वो बना ही नहीं सही से। ये बनाया ही नहीं गया है और ये थोड़ा सा छोटा भी मिला हुआ है और थोड़ा लोकल भी मिला हुआ है सेकंड टाइम, जबकि प्राइस तो इस बार ज्यादा ही मैंने पे किया था क्योंकि पिछली बार अच्छा जा भी नहीं रहा है। ये वो उसका है, ये सही वाला, इसका सब कुछ सही, इसका रॉड भी नहीं इसमें फिक्स होता है, ये फक फक निकल जाता है। ये रॉड जो है ना टाइट करने के बाद कितना यहाँ से टाइट कितना भी कीजिए ये निकल ही जा रहा है। हाँ तो ये चीज़ हम लोग को थोड़ा सा डिफेक्टेड मिल गया है और क्योंकि एक्सचेंज नहीं कर सकते, पता नहीं हम लोग कैसे पोछा मारेंगे, फेवी क्यूक से सटाके मारेंगे। तो बस यही थी हम लोग की अनबॉक्सिंग। इसमें इस तरह की बाल्टी मिलती है जो लोग बाल्टी तो सेम क्या, इसमें दो थे इस तरह के आपको वो मिल जाएंगे, मफ मिल जाएंगे, बाल्टी मिल जाएगी और यहाँ पे आपको पानी निचोड़ने वाला बकेट बना हुआ है और यहाँ पे आपको धुलने वाला बना हुआ है और इस तरीके से इसमें हैंडल है। तो ये थी आज की हमारी अनबॉक्सिंग थोड़ी सी। बस एक लास्ट में यही था कि मेरा जो अकाउंट ब्लॉक्ड हो गया उसमें ये मुझे डिफेक्टेड मिल गया था और मैंने एक्सचेंज लगाया था हालांकि, बट हम कुछ नहीं हो सकता है। तो जो लोग भी मीशो से शॉपिंग करते हैं बस उनसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा सावधानी से शॉपिंग कीजिए, ज़्यादातर ऑर्डर कोशिश कीजिए कि आप कैश ऑन डिलीवरी कीजिए, और अगर आपका बाई चांस कभी अकाउंट ब्लॉक्ड हो जाता है तो आप उस अकाउंट को बिल्कुल भी छेड़छाड़ मत कीजिए, उस नंबर को, उस अकाउंट को, उस फोन को ही भूल जाइए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की अनबॉक्सिंग। आज की अनबॉक्सिंग आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे हमारी तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करिए, चैनल पे नए हैं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम भाई बहन मिलते हैं किसी और अनबॉक्सिंग वीडियो या ब्लॉग में मेरे, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर, बाय।